أهلا. دونو क्यों ये छोटा है तो दो एक से बड़ा है? हाँ, तीनों क्या खाक उड़ाता है तेरा उस्ताद? चल उतर के इधर बैठ जा। बैठ जा। चलो अब बताओ, दो जानवर हैं जो प्यास की वजह से मर रहे हैं, एक कुत्ता और दूसरी गाय। पानी इतना के बस एक जानवर पी सके। बताओ, कुत्ता मुकद्दम है या गाय? कुत्ता, क्यों? क्योंकि कुत्ते की आंखें इंसान जैसी हैं, वफादार जानवर है, भेड़ों की और घर की रखवाली करता। गाय भी तो बछड़ा देती है, दूध देती है। अगर नर हो तो खेतों में हल चलाने के काम आता है। बच्चा पैदा करे और खेत में काम आए। तो पानी हराम गोश्त को दें ताकि वो जिंदा रहे, हलाल गोश्त हैवान को जिब्हा करें ताकि उसका गोश्त खाएं। बस पानी कुत्ते को देंगे। क्यों? क्योंकि हराम गोश्त है। सुनो बेटा, शरीया काम का जानना और सीखना एक खलीफा के लिए जरूरी है। शमशीर और सिपर की हैसियत रखता है। मुझे शेर व शायरी से ज्यादा लगाव है। अहसंतुम यजीद। मरहबा वाह यजीद। यजीद कहाँ और दीन और मजहब कहाँ। अभी तो खेलने के दिन है, फितरतन कुत्तों से लगाव है इसे। बेचारे बच्चे को हुदूद और मुस्तहबात तुम मुनकरात वाजिबात का असीर मत बनाओ। ये देखो उसका दिल क्या चाहता है। लकड़ी जब तक कच्ची और नरम हो, खम हो सकती है अमर। सुनाओ जमल की क्या खबर है? बुरी खबर है, अली तीरो तरकश से नहीं नसीहतों से काम ले रहे। असहाब जमल के इरादे सुस्त हो गए, उनके कदम लड़खड़ा गए। गोया अली जंग जमल को अपनी जबान की ही जुल्फ़िकार से जीत लेंगे। तलहा और ज़ुबैर से मुलाकात भी की है। उन्होंने हथियार डाल दिया? अभी तो नहीं, लेकिन ज़ुबैर को देखा गया है अली से मुलाकात के बाद जंग में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसी वक्त कासिद मरवान के पास भेजो और कहो कि अगर देर की तो तुम्हें जलाकर जंग के शोले भड़काएंगे। भेज भी चुका और यह भी लिख दिया है कि अली ने जुबैर को हुकूमत कूफा की लालच दी है। अम्र, हमारे वली अहद को सियासत के कुछ गुर सिखाओ। सियासत अधेड़ों की बीमारी है। अबा यजीद, ये शराब अंगूर से मस्त होने वाला है, शराब इल्म से नहीं। सियासत हुकूमत के लिए इसकी उम्र कच्ची है, अभी जिंदगी के मजे उड़ाने दो। नहीं, जुबैर खयानत करना चाहते हैं। जब तक अली से नहीं मिले थे, लश्कर के पुरजोर बाजू लगते थे। मैं मुतमईन हूं कि रियासत कूफा के वादे ने उनको तहोबाला कर दिया। ऐ ग्रीड की औलाद, मेरे बाप दादा कम से कम अमानतदार तो थे। अपने माजी को देखो, तुम्हारे मुर्दा खोर बाप दादा लाशों को नोच खाते नजर आएंगे। इख्तलाफ का बीज बोरा है बेहसियत, फसान मत करो अब्दुल्ला। मरवान, मेरे माँ बाप तेरे पांव पड़ते हैं भाई, ये जुदाई का वक्त नहीं, हमराई का वक्त है।
अगर तलवार ही आजमाना चाहते हो तो मेरी गर्दन हाजिर है, रखो नियाम में। मालिक एस्तर के घोड़े ने अगर सुन लिया तो अपनी दुम से हमारा काम तमाम कर देगा। हमारे लश्करी थक चुके हैं वलीद, जब उन्हें घर वालों की याद आएगी और ये देखेंगे कि इन तनूरों से धुआं नहीं उठ रहा है, सुस्त पड़ जाएंगे, थकन का एहसास करेंगे, फिर छोड़कर चले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। वाह, तेरे बाप की मगफिरत हो। अब्दुल्ला, मरवान का कहना है कि हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि खेमों में पड़े टांग पर टांग धरे या बीबी गाते रहे। मरवान का गुस्सा हमारी हमदर्दी में है, उसके दलाइल वाकई दलाइल है ना भाई। उम्मुल मोमिनीन और तलहतुल खैर जंग के लिए तैयार है, वहां सैफुल इस्लाम जुबैर हैं कि शक में पड़ गए, उन्हें क्या खौफ हो गया है नहीं मालूम। अली ने तुमसे क्या कहा है? तुमने सैफुल इस्लाम को कितने बेच दिया? जवाब दो इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून बहा दूं। अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालेन खरीदते। उन्होंने तो बैतुल माल के सिक्कों से हजार कबीलों का खून खरीद लिया। फटी हुई नालेन तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। तुम उनकी बातों में क्यों आ गए जुबैर? अब्दुल्ला, मरवान जैसों की बातों को मत दोहराओ। तुम्हारी उम्र अभी अली को दर्क करने के लिए काफी नहीं। अली मेरी जिंदगी के वाकयात से वाबस्ता है। उनकी मुलाकात से एक वाकया मेरे आंखों के सामने आ गया। उम्मुल मोमिनीन से पूछो, यादगार वाकयात को समझती है। एक रोज मैं रसूल अकरम के हमराह था, हमने अली को देखा। आ हजरत अली को देखकर मुस्कुराए, अली भी मुस्कुराए, मैं भी यूं ही मुस्कुराने लगा और अर्ज की, अली मुतकब्बिर है। पैगंबर ने फरमाया, खामोश, अली मुतकब्बिर नहीं, तुम उनके साथ जंग करोगे और अली की निस्बत सितमकार हो। अब खतरे को देखकर अफसाना और हदीस गढ़ रहे हो ताकि भाग सको। जिस वक्त अली की बायत तोड़ रहे थे तो उस वक्त यह हसीन यादें तुम्हें नहीं आई? नहीं मालूम, शायद उस वक्त मेरे ख्वाब ख्याल के कुत्तों ने भौंकना शुरू नहीं किया था। मुझे हक दो बेटा, ख्यालात का ऊंट भी किसी वाकये की वजह से बिफर जाए। जुबैर, अपने मामूजात भाई अली के वादों में मत आओ। तुम भी अपनी खाला के वादों के आगे मजबूर ना हो। अगर फतह भी हो जो नामुमकिन है तो तलहा खलीफा होगा, उम्मुल मोमिनीन का चचाजात भाई। अब क्या करोगे? रात के अंधेरे में बियाबान की तरफ जाऊं और सितारों को गिनूं। अब्दुल्ला,
اپنے ساتھیوں کے خنجر سے ہوشیار رہنا۔ کیا ہوا عبداللہ؟ وہ تو اپنے خالہ ہی کے پاس جائے گا، نہیں معلوم اس کے خالہ نے کیا وعدہ کیا ہے۔ محمد کہاں؟ باپ بیٹے کا ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے مروان، میں ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں۔ کیا خوب خلیفہ کشی ہو رہی ہے ولید، آج رات علی کے لشکر پر شب خون ماریں گے۔ ہمارے ہاتھ کٹ جانے کے بعد جہاد کی اجازت لوگے؟ مالک، یہ لوگ نصیحت سے ماننے کے بجائے اور گستاخ ہو جائیں گے، علی جہاد کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ جہاد کس کے مقابلے میں اشس؟ اگر جمل کا انجام فقط جنگ ہے تو یہ اصحاب محمد کے لیے بدترین جنگ ہوگی۔ تلوار سے ہٹ کر بھی تو کچھ سوچو، پیغمبر اسلام اور ان کے داماد علی اور عائشہ کے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ شب جمل خبیث روحوں کی رات ہے جس نے حقیقت کا لباس پہن لیا ہے۔ کیا ہم اپنی حقیقت پر شک کریں مالک؟ بالکل نہیں، بلکہ ان رنگ برنگ القاب پر شک کرو جنہیں سینکڑوں اونٹوں پر بسرے تک لایا گیا ہے۔ یہ نیا بت جمل ایک ایسی جہالت کی پیداوار ہے کہ جنہوں نے اونٹ سے کینہ پروری کا خدا بنا لیا ہے، جو نہ بھائی کو پہچانتا ہے نہ بہن کو۔ بیٹے کے ہاتھ تلوار دے دی ہے کہ باپ کو قتل کرے۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، ہم نادانستہ جمل نہیں آئے مالک۔ جس کا بھی ہاتھ یا دل لرز جائے اس نے خیانت کی ہے۔ کوئی ایسا عذر پیش کرو کہ لشکر قانع ہو سکے۔ علی کے خیمے کی طرف جا کر دیکھو، دیکھو وہ کیسے خیانت کا شکار ہیں، علی خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آئے ہو ہم سب پر، ہم نے علی کو رلایا ہے، آئے علی کو رلایا ہے۔ ولید کہاں ہے؟ شرط کرتا ہوں کہ مدہوش کسی گڈھے میں پڑا ہوگا اور قطام کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اے، اس جیت کی خوشی میں کچھ رقص ہو جائے۔ بہت اچھا، ابن عمر
तलवार जनों को ये बता दूं, ये बता दूं कि इश्क इंसान का ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है जिसको कोई भी तलवार कभी भी कत्ल नहीं कर सकती। मस्ती में तुम्हारे टकमगाते कदम मैं नहीं समझता महमिल इश्क को छू भी पाए। अकबा की औलाद क्यों नहीं छू सकता बागी साहबजादे? मकाम इश्क बुलंद है और तू ठहरा पौना। कटे हुए सर पर पैर रख के चढ़ जाऊंगा बाप के भी कटे सर की। हत्ता अपने बाप के कटे सर पर फर्क नहीं करता। घुटन हो रही है अस्तर तुम्हारे दरमियान तो नहीं है। मस्ती में डगमगा रहा था हमलावरों से पिछड़ गया। शुराई सर से पगड़ी उतार लो और जाने दो। चला गया कोई आया ही नहीं तो जाएगा क्या? चाचा अम्मार क्या बात है? फजा पे गम क्यों उतारी है? सब रंजीदा है क्योंकि अली का दिल जल रहा है। काश उम्मुल मोमिनीन अली की जारो खतार गिरी की आवाज सुन लेती। कहां मोहम्मद जो अली के मुकाबले में आई है? मेरी ही बहन है। अंधेरे में तीर चलाने जा रहा हूं अम्मार शायद के लग जाए।
تم ہو طلحہ. طلحہ کے بغیر کہاں جا رہے ہو مومن؟ کوئی بات نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے. ایک جنگ میں سپاہی کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم تلوار نے لے لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک طرف جا رہا تھا. اپنا درد دل طلحہ سے کہو، ہلکے ہو جاؤ گے. کچھ نہیں کہوں گا، سنگین ہو گیا ہوں. مجھے پکار رہے ہیں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا. طے نہیں تھا کہ شک و تردید کو آنے دیں سردار. صبر کرو تاکہ حکمت کی کچھ بات کرو. ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، حتیٰ طلحہ اور زبیر ہی کیوں نہ ہو. تم نماز اور امامت کے واقعے پر ناراض تو نہیں ہو؟ اس کے علاوہ تم اور بھی تو کچھ سوچو طلحہ. خدا حافظ. عبداللہ، اپنے بابا کا خیال رکھنا. آپ فکر نہ کریں. کرو بہن، کریا. کل کی جنگ میں بھائی اور بہن کا مقابلہ ہوگا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن. ایک دانت تیز کر رہی ہے تو دوسرا تلوار. ابو بکر سے دیکھ کے بیٹے اور بیٹی کے درمیان دشمنی. جب تم اتنا روتی ہو تو اس خانہ خراب اسما کو دو فرات کے برابر آنسو بہانا چاہیے. خانی جان، میں نے اسے ابھی قتل ہی کہاں کیا ہے جو رو رہی ہو.
अभी तो मौत के परवाने पर मुहर लगवाने आया हूं ताकि मेरी तलवार आसानी से उसी गर्दन को जुदा कर सके। अगर ऊद जलाकर खजूर और मिठाई के प्याले यहां घुमाए जाए तो ये जगह कब्रिस्तान जैसी लगेगी। हमारी सरदार सुन ले खुशी से हंसे और जाए और दूसरों को भी हंसाए। हम सोग में है के जंग में। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस आपको बाद ही में बताऊंगा। खाला को हजारों ऐसी हदीसें याद हैं जिनमें से एक एक हदीस पहाड़ों को हिला सकती है। आप हदीस याद करके सुनाएं और गिरिया करें, मैं जंग के उमूर को संभालता हूं। मेरी गुस्ताखी को माफ करें खाला जान। पैगंबर अकरम से मनकूल अहादीस न दिखने वाली तलवारों की तरह हमारे लश्कर पर आन पड़ी हैं। आज रात हमारा एक नामी गिरामी सरदार ऐसी ही एक हदीस के हाथों अपनी जान धो बैठा है। हम जानते थे खाला जान कि अली की जुबैर से पैदर पे मुलाकात में कोई हिकमत जरूर है। बस उसके कान में कोई ऐसी हदीस या वाकया अली ने डाल दिया कि वो राह से मुनहरिफ हो गया। खाला जान, जुबैर फरार हो गया है, जा रहा हूं और उसका सर काट कर लाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम फकत आंसू बहाओ अस्मा। जुबैर का सर? ओ, मदद करो बहन, मदद करो, वो मार देगा, अपने बाप को मार देगा वो। मामा, मेरे इन हाथों को देख रहे हो सईद? तलवार के निशान पड़े हैं इस पर। जो तलवार मेरी गर्दन काटना चाहती थी खुद टूट गई। ये तेज आंखें रात के अंधेरों में भी दोस्त तो दुश्मन के साए तक पहचानती है। मामूली सी हरकत से भी साजिश को भांप लेता हूं। नहीं पूछोगे क्यों मैं खलीफे मजलूम से ज्यादा नजदीक था? जानना चाहते हो क्यों मैं उम्मुल मोमिनीन का महरम राज हूं? नहीं जानना चाहोगे क्यों मैं खलीफे मजलूम की खुखाई का ज्यादा हकदार हूं? मेरा जानना या ना जानना किसी चीज को साबित नहीं करता। साबित नहीं करता? अभी साबित करता हूं। तुम अपने दस्ते के साथ उस जगह के मुहाफिज थे कि दुश्मन जहां से घुसकर हमारे कलबे लश्कर तक आ पहुंचा। इसका मतलब या खयानत है या गफलत है या नालायकी। हटाओ अपने हाथ को। मैं जो कर सकता था वो काम मैंने अंजाम दे दिया। दुश्मन की रसाई से मेरी कमजोरी नहीं, दुश्मन की कुदरत साबित हुई है। मैं यही तुमसे उगलवाना चाहता था। कई दिन से देख रहा हूं कि लश्कर से कटे कटे से रहते हो, दांत पीस कर जाने क्या बड़बड़ाया करते हो, इसका क्या मतलब है? मैं बहुत थक चुका हूं। थक चुके हो या खयानत का इरादा रखते हो? खयानत करने में अभी मेरी नौबत नहीं आएगी। मैं खयानतकारों से थक चुका हूं। शर्म नहीं आती उम्मुल मोमिनीन के सामने बकवास कर रहे हो? जो तलवार बांधकर जंग के लिए निकलता है वो जंग से कभी नहीं थकता। यह तलवार मैंने खलीफा मजलूम का इंतकाम लेने के लिए बांधी है। तुम कातिल की निशानदाही करो, अगर उसकी गर्दन न उड़ा दे तो ना मर दूं। सुना आपने? सुना? मक्के से कूफे का लंबा सफर तय किया लेकिन यह भी नहीं मालूम कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। बनी उमैया की जहालत का जुर्म क्या उनकी खयानत से कम है? तुम अब पानी क्यों नहीं पीते कि तुम्हारी प्यास बुझे? इधर उधर की बकते हो? यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा।
اپنی زبان کو لگام دے خائن. ام المؤمنین کی موجودگی میں زبان درازی مت کرو. خلیفہ مقتول نے پیاس کے عالم میں جان دے دی اور تم اپنی جان بچانے کے لیے چھپ چھپ کر پانی پیا کرتے تھے. دفع ہو جا, دفع ہو جا. یہ رہی تلوار اور یہ رہا کمر بند, ہمیشہ کے لیے جاتا ہوں. مروان, خلیفہ کے قاتل اسی اطراف میں ہیں. بیکار علی پر تہمت لگاتے ہو. رک جاؤ مروان, بعض اوقات ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہیں. سعید تمہارے ہی ضمیر کی آواز ہے, اگر سن سکو. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے کو جاسوسی کا کام سونپا جائے. میں نے سنا تھا کہ ابن ابی طالب کی خلافت میں کوتاہ قد اور جوان لوگوں کو اہم منصب دیے جاتے ہیں. بہت خوب, ہماری چھاونی کو کیسا پایا جوان؟ ام المومنین سے صرف بات کرنے آیا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ام المومنین نہ محرموں کے ساتھ ہم کلام ہوگی. کیا ممکن ہے؟ دل میں حسرت ہے کہ تمہیں بہن کی محبت دے سکوں. پانی لاؤں, میرے بھائی کا خاک آلو چہرہ دھو دو. اچھا, اس کا مطلب کہ علی کی نصیحتوں نے ام المومنین کے خیمے کے ستون تک کو لرزا دیا ہے. تو پھر یہ سرخ بالوں والے اونٹ کا قصہ بھی تماشے کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ بدبخت آل امیہ ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھہرو سعید, ٹھہرو, دونوں ساتھ چلتے ہیں. مرفون, خیر مناؤ کہ تم ام المومنین کی پناہ میں ہو. مصلحت تو اسی میں ہے کہ ان کے پاس رہ کر برتن دھوتے اور کپڑے رفو کرتے. دیکھ رہی ہو اسما, ان مفسد شیوخ کے پروردوں کو دیکھ رہی ہو؟ میں محمد, ابو بکر صدیق کا بیٹا, عائشہ کا ہم خون, نہ محرم شمار کیا جا رہا ہوں, اور یہ ناکارہ بھیڑوں کے ریوڑ محرم تنہائی ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اگر حرام نہ ہوتا تو خدا لا یزال کی قسم شرم کے مارے تلوار اٹھا کے اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. شرم آتی اپنی بہنوں کو ابو سفیان کے ناپاک بیٹوں کے ہاتھوں کھلونا دیکھوں. یہ لوگ حکومت کی خاطر اپنے سگے بھائی کا کلیجہ چبا جاتے ہیں. ان کے نزدیک عثمان کا کرتا عائشہ کا مقام سکوں کی جھنکار کے برابر بھی نہیں ہے. محمد, تیروں تلواروں کی دریا سے گزر کر ہماری سرزنش کرنے آئے ہو. ضروری تھا آنا میرا آسما. میں علی کے ٹوٹے ہوئے دل کا پیغام لے کے آیا ہوں. جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ جاننا چاہو گی؟ یہ بھولے بھالے سیدھے سے لوگ جو خونخواہی کے چکر میں آ کے اونٹ کے پیچھے نکل پڑے ہیں, ان کے خون کا جواب کون دے گا؟ میرے ساتھ رسالت کی خوشبو سے مہکتی مدینے کی گلیوں میں چلو. سوچو, غدیر خم کے میدان کو یاد کرو بہن. جب رسول خدا کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہو رہی تھی, کس کی آغوش میں سر تھا؟ سوچو للہ, کچھ سوچو. راہ علی کے علاوہ کون سی راہ حق ہے؟